भैया जिस दिन ये सीरियल बनाने वालों को एक और प्लॉट मिल गया एक्सेप्ट फॉर मेकिंग बहन इनटू सौतन, आई टेल यू इनको जाकर ना मैं मुंह मीठा करा के आऊंगी। बहरहाल कुंडली भाग्य में फिलहाल ऐसे ही प्लॉट का सिनारियो दिख रहा है। एक तरफ तो पलकी जो है वो दुल्हन बनकर तैयार है, तो दूसरी तरफ उन्हीं की बहन उनके दूल्हे पर डाल रही है डोरे। मुझे ना घबराहट हो रही है, परेशान हो गई, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि तू यहाँ क्यों आया है। उसे देख के आ रहा मतलब उसे शनि देख के और तू कोई हीरोइन है। ये राजवीर है ना, मैंने देखा है, ये मुझे ना देखकर अब जैसे स्माइल करता रहता है, कुछ तो भी है वो जैसे है ना, वो दिलवाले दुल्हन ले जाएंगे मैं, वो जिस तरीके से शाहरुख खान काजोल को देखते हैं बस मुझे ना वो वैसे वाला ही कुछ शाहरुख खान जैसा फीलिंग आ रहा है। सीरियल कुंडली भाग्य की पलकी, देखो दुल्हन बनकर तैयार है। लाल जोड़े में दुल्हन वाले सारे गहने पहनकर पलकी शादी के मंडप में जाने के लिए तैयार बैठी है, मगर न जाने उसकी बहन माही क्यों अपने होने वाले जीजा के बारे में यानी कि राजवीर के बारे में कुछ ऐसा बोल रही है जिसे सुनकर हर कोई हैरान रह जाएगा कि आखिर शादी पलकी की हो रही है तो दूल्हे की ओर माही आकर्षित क्यों हो रही है। आखिर ये मामला है क्या, क्या माही राजवीर से प्यार करती है? वो, आपको पता है वो मुझे देखकर ना स्माइल करता रहता है, हंसता रहता है, मैं देखती हूँ वो मेरे हमेशा ना आसपास ही रहता है और ना एक ना अलग से मैंने स्माइल देखी है उसके फेस पे, वो मीठी सी स्माइल देखी है मैंने दी उसके फेस पे, कुछ तो भी बात है, पता नहीं क्या है, I don't know। ये तो अब सच बताऊं तो हमें भी नहीं पता, बट आई एम श्योर राइटर्स ने कुछ एक्साइटिंग ही प्लान किया होगा, क्योंकि मेरे केस में देखा जाए तो कभी राजवीर आ जाता है कभी शौर्य। अब मुझे ऐसे लग रहा है कि कहीं ना कहीं मैं शायद राजवीर के साथ टिक जाऊंगी, बट यू नेवर नो, फिर स्विच मारूंगी। और आप पलकी का तो जानते ही हैं, उसको तो राजवीर पसंद है बट वो बता नहीं रही है। और यही है अभी कुंडली भाग्य में सबके क्या लिखा है, वी आर ऑल्सो लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। वैसे कन्फ्यूजन तो राजवीर और शौर्य के बीच में भी है, क्योंकि शौर्य आ पहुंचा है पलकी की शादी में, जिसे देखकर राजवीर भी हैरान है। देखिए, खतरे का ब्रांड एम्बेसडर है शौर्य और उसका वीर नायक है राजवीर, तो फिलहाल खतरा इतना छाया हुआ है इनकी शादी पे कि राजवीर भी कंफ्यूज्ड है, पलकी खुद कंफ्यूज्ड है, सारी फैमिली कंफ्यूज्ड है कि हो क्या रहा है, ये बंदा यहाँ क्यों है, ऑल ऑफ दैट। एक्चुअली बात ये है ना कि पलकी के भी मन में कहीं ना कहीं शौर्य आता है और माही के भी मन में कहीं ना कहीं शौर्य आता है, तो ऐसा नहीं कि माही और पलकी सिर्फ राजवीर के पीछे है, उनके ख्यालों में शौर्य भी है कहीं ना कहीं, लेकिन हाँ वो हम लूथरा है ही ऐसे। अब किसके भाग्य में कौन है, किसकी किससे होगी शादी, ये तो कुंडली के रचयिता यानी कि राइटर और क्रिएटिव ही बता सकते हैं। मुंबई से कैमरामैन इरफान खान के साथ ABP न्यूज रिपोर्ट। ABP News, आपको रखे आगे।